हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड गाइस। सो आज का हॉल होने वाला है मिंत्रा कुर्ता हॉल। जितने भी कुर्ताज है वो मैंने स्पेशली रेगुलर ऑफिस वेयर के लिए पिक करा है। कुछ छोटे मोटे गेट टुगेदर हो, ऑफिस पार्टी हो, तो भी आप आराम से वेयर कर सकते हो। और जितने भी डिटेल्स है सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैंने इस हॉल में स्पेशली ऑनलाइन चीज़ें ही पिक करी हैं। लाइक अगर मैं कुछ ऑफलाइन जीन्स पहनती हूँ लिया हुआ, या फिर कोई हील, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने सारा कुछ ऑनलाइन जो मेरे पास है उनको ही स्टाइल करा है। कुर्ता प्लस जीन्स स्टाइलिंग में आज आपको दिखाऊंगी, पूरा लुक बुक क्रिएट किया है आपके लिए। सो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर करना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज। और कमेंट में बताना कौन सी कुर्ता आज के हॉल में आपको पसंद आई। और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो वहाँ पर चेक करें। नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट कुर्ता मैंने ये रेड कलर का कुर्ता पिक करा है। सो ऑफिस की पार्टी है, छोटे मोटे पार्टीज़ के लिए ये कुर्ता मैंने पिक करा है, जिस पे फॉयल मिरर वर्क करा हुआ है नेक लाइन पे। सो मिरर वर्क को मैच करने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ज्वेलरीज डाले हैं, लाइक सिल्वर इयर रिंग्स एंड चोकर डाला हुआ है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है वेयर करने के बाद। कुर्ता का फैब्रिक कॉटन है, बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता है। मैच करने के लिए मैंने ये सिल्वर टिंट वाले फुटवेयर डाला है, और ये टैसल कलरफुल टैसल्स वाले बैग डाले हैं, जो उस कुर्ते के साथ बहुत अच्छे से जा रही है। आप देखोगे तो सिल्वर ज्वेलरीज एंड ये बोहो बैग और रेड कलर के साथ गाइस ब्लू जीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो मैंने यहाँ पे ब्लू जीन्स डाला है, जो एंकल लेंथ वाली जीन्स है। फिटिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ मिंत्रा से है। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप फुटवेयर चेंज कर सकते हो अगर आपको ये पार्टी के लिए नहीं चाहिए, तो रेड कुर्ता विद ब्लू जीन्स एंड एक सिंपल मोजरी आप आराम से वेयर कर सकते हो। और ये पार्टी लुक देने के लिए मैंने थोड़े सिल्वर ज्वेलरीज डाले हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लाइक कहाँ पे वेयर करना चाहते हैं। कुर्ता 200% रेकमेंड करूंगी, बहुत ब्यूटीफुल है। साइड स्लिट के साथ फिटिंग वगैरह जीन्स सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। सो मुझे ये वाली लुक पसंद आई। ऑफिस के लिए आप ज्वेलरीज हटा सकते हो, बैग चेंज कर सकते हो। कुर्ता मैंने पिक करा है वो ब्लू पिंक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन का कुर्ता है। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉटन मटेरियल का कुर्ता है गाइज, एंड बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, देखने में बहुत ब्यूटीफुल है। सो आपका फ्रंट में आप कुर्ते का देखोगे तो उसमें पिंक कलर के बटन बने हुए हैं, कपड़े का ही बटन बना हुआ है। तो उसकी वजह जैसे मैंने यहाँ पे पिंक ज्वेलरी, छोटी सी ज्वेलरी इस पर डाली है, क्योंकि मैं ऑफिस वेयर डेली वेयर बना रही हूँ। तो ज़्यादा हेवी ज्वेलरी आप ट्राई करो कि यहाँ पे नहीं पहनो, क्योंकि इस कुर्ते पे जितना लाइट ज्वेलरी उतना ब्यूटीफुल लगेगा। येलो प्रिंट की वजह से मैं यहाँ पे येलो फुटवेयर डाल रही हूँ, और थोड़े से मैंने हील्स पिक करे हैं। आप चाहो तो लोफर भी डाल सकते हो येलो कलर में, या फिर ग्रीन और ब्लू कलर में, वो भी उतनी ही ब्यूटीफुल लगेगी। और ब्लू सिंपल जीन्स मैंने यहाँ पे स्ट्रेट फिट वाले जीन्स डाले, क्योंकि स्ट्रेट कुर्ती में ऐसे जीन्स बहुत ज़्यादा ही क्लासी लगती है। जीन्स बहुत लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा फोल्ड करा, एंड फोल्ड करते के साथ जो पूरी लुक है ना वो चेंज हो जाती है। कुर्ती बहुत ब्यूटीफुल है, और इसको सेम मैंने मैच करने के लिए येलो बैग यहाँ पे लिया है। बीच एंड येलो का कॉम्बिनेशन है, और ये जो ब्रॉड स्ट्रैप वाली बैग है वो बहुत ही अच्छी लगती है। ऑफिस के लिए आप थोड़ा बड़ा बैग भी ले सकते हो, अदरवाइज ये भी चलेगा। मॉल के लिए या फिर गर्ल्स डे आउट के लिए भी ये लुक बहुत परफेक्ट है। आप खुद देखो एंड बताओ कि ये वाली लुक आपको कैसी लगी। कुर्ता 200% रेकमेंड करूँगी। प्राइस वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सिर्फ भी नहीं, कॉटन मटेरियल है, परफेक्ट लुक है, बहुत ही क्लासी एलिगेंट लुक है गाइस। तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताएं। थर्ड कुर्ता मैंने ये स्काई ब्लू कुर्ता पिक करा है, जिसपे ऑरेंज ग्रीन एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है। ये सोच ब्रांड से है। ये कुर्ता थोड़ा एक्सपेंसिव है, 1200 रुपीज़ में मुझे मिली है, बट बहुत ही ऑसम कुर्ता है गाइस। सो यहाँ पे मैं हाफ बन कर रही हूँ, क्योंकि फुल बन समटाइम्स अच्छा नहीं लगता है सारे कुर्ते पे। और मैचिंग करते हुए मैंने पिंक इस पर बेलीज डाले हैं, और ये बैग डाला है, जो थोड़ी बहुत मुझे बोहेमियन लुक चाहिए थी। बट मैंने इस पर बहुत ज़्यादा बोहो ज्वेलरीज या ज्वेलरीज नहीं डाले हैं। समटाइम्स क्या होता है ना कि विटॉट ज्वेलरीज भी लुक जो है वो बहुत अच्छी लगती है, वो मैं आपको ये लुक में दिखा रही हूँ। मैंने इस पर कोई भी इयररिंग्स नहीं डाले हैं, ब्रेसलेट नहीं डाली है, बट फिर भी ये लुक आप खुद देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा यू नो क्लासी लग रही है। और इस पर मैंने हील्स हम नहीं डाले हैं, आपको स्लीपर दिखा रही हूँ। जिनको भी लाइक कंफर्टेबल शूज चाहिए, वो इस तरीके से भी किसी भी कलर में लेके, या फिर ब्लैक वाइट आप भी डाल सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि कलर बिल्कुल आपको हील्स के या फिर बैग के मैच ही होना चाहिए, बट ट्राई करो कि आप किसी चीज़ को कुर्ते के साथ मैच कर लो, या तो ईयरिंग या तो फिर फुटवेयर या बैग, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही सिंपल एलिगेंट कुर्ती है, बहुत कम्फर्टेबल है, और
इस पे जो जीन्स मैंने डाले हैं वो H&M से है, सबका लिंक मैं आपको दे दूंगी। आप ब्लू जीन्स कोशिश कीजिए कि आप ब्लू पे ब्लू जीन्स मत डालिए, मैंने थोड़े ग्रेश काइंड ऑफ जीन्स यहाँ पे डाला है। फर्स्ट जो लुक में मैंने जीन्स आपको डिफरेंट दिखाई थी और ये वाली डिफरेंट है, कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर से बताना। सो नेक्स्ट जो मैंने कुर्ता पिक करा है वो शॉर्ट कुर्ता पिक करा है, ग्रीन कलर में है, समर्स के लिए परफेक्ट है और कॉटन मटेरियल है, मैंडरिन कॉलर के साथ है। सो मैं ऑलवेज़ क्या करती हूँ कि मैंडरिन कॉलर जो भी कुर्ते पे होती है उस पर मैं पॉनी कर लेती हूँ, बन बना लेती हूँ, जिससे नेकलाइन बहुत अच्छे से डिफाइन होती है। तो यहाँ पर मैंने हाई पॉनी करके सेम जीन्स थर्ड वाली कुर्ती पर जो दिखाया है H&M वाली स्ट्रेट फिट वाली जीन्स बिल्कुल फिटिंग वाली डाले हैं। बैग मैंने थोड़ा सा बोहो काइंड ऑफ बैग ये यूज़ करा है, आप बैग अपनी पसंद का ले सकते हो। और बैग के साथ मैंने यहाँ पे फुटवेयर मैच कर लिया है। सो हमेशा मैं कहती हूँ कि कुछ भी किसी से भी मैच कर लोगे ना तो वो लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और कुर्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा शॉर्ट है, पीछे से लॉन्ग है, आप देख सकते हो, एंड उस पर ब्लैक प्रिंट बनी हुई है। जीन्स भी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है गाइज, ये जीन्स तो मैं 200% रिकमेंड करूँगी, H&M ब्रांड की है, बहुत मस्त है। और मेरे पे लाइक ये हुप ईयरिंग्स अच्छे लगते हैं जब मैं पॉनी करती हूँ, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि पॉनी पे हुप्स ईयरिंग डालिए, बहुत ऑसम लगती है। सो नेक्स्ट जो मैंने कुर्ता पिक करा है वो पिंक कलर का कुर्ता है, लाइक रानी पिंक, थोड़ा डार्क कलर मैंने पिक करा है। एंड इस पे गाइस ऑरेंज वर्क करा हुआ है, मिरर फॉल वर्क और थ्रेड वर्क का काम है। लाइक अगर आपके ऑफिस की कोई पार्टी है या छोटे मोटे कोई पार्टीज़ में पहनना चाहते हो ना तो ये परफेक्ट है। और इस पे मैंने सिल्वर ज्वेलरी चोकर डाली है, क्योंकि नेकलाइन अगर आप देखोगे तो थोड़ी ब्रॉड है, तो अगर ऐसी नेकलाइन है तो ये आपको ना बहुत हेवी बॉडी लगती है। इस वजह से मैंने यहाँ पे अपने बाल जो है वो खोल कर ये चोकर डाला है, क्योंकि बंधे बाल में आप थोड़े से ओल्ड काइंड ऑफ लगते हो। तो ट्राई कीजिए थोड़ा सा अपने हेयर से इस टाइप के नेकलाइन जो होती है उसे हाइड कर दीजिए। सो ये भी कॉटन मटेरियल है, काफ़ी कम्फर्टेबल कुर्ता है, कुर्ता जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर मैंने टैन कलर का बैग लिया है, क्योंकि ऑरेंज जो प्रिंट हो रही है उससे ये बैग बहुत अच्छे से मैच कर रही है। ईयरिंग्स मैंने नहीं डाला है इस पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज इस पे नहीं डालना चाहती थी। और न्यूड हील्स मैंने इस पे पहना है, और अगेन जीन्स को थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि जीन्स काफ़ी लॉन्ग हो रही है, तो फोल्ड करने से जो हील्स की फुटवेयर की जो लुक है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। तो ऑलवेज ट्राई कीजिए कि जब भी आप स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ते पहन रहे हो तो जीन्स को लॉन्ग हो रही है तो थोड़ा फोल्ड कर दीजिए। बैग आप अपने पसंद का ले सकते हो, यहाँ पर मैंने कोई भी फुटवेयर मैच नहीं करा है, किसी के साथ ईयरिंग्स मैच नहीं करी, यहाँ पे सिर्फ मैं ऑरेंज प्रिंट के साथ ये टैन जो लिटिल बिट ऑरेंज टिंट ही लग रहा है बस उसको मैच करके दिखाया है। सो ऑफिस की पार्टी के लिए परफेक्ट लुक है, एथनिक लुक है, और कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। जीन्स के साथ मोस्टली ऐसी कुर्ती बहुत अच्छी लगती है, और आप उसको कोई भी लुक दे सकते हो, बस थोड़ा सा बैग एंड फुटवेयर के साथ चेंजेस करना पड़ता है। नेक्स्ट कुर्ता मैंने पिक करा है ये डार्क ग्रीन, जिसपे कॉम्बिनेशन आपको मिल रही है ग्रीन एंड वाइट की, मैंडरिन कॉलर के साथ है। सो पहले मैंने हाई बर्न करके देखा, वो ठीक ठाक लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आई। एंड जब भी मैं हाफ ये करती हूँ तो हुप्स ईयरिंग के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो मैं हुप्स ईयरिंग प्रेफर करती हूँ। सो मैंने यहाँ पे हाफ जो छोटी करी है, सिंपल सा ये ऊपर को बाल लेकर मैंने क्लचर लगा लिया है, कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं करा है। और यहाँ पे मैं लाइट ग्रीन कलर की फुटवेयर पिक कर रही हूँ, एंड सेम मैचिंग बैग पिक कर रही हूँ, मेरे पास ये दोनों मैचिंग थी तो मैंने यहाँ पे पिक कर लिया, क्योंकि डार्क ग्रीन कलर का कुर्ता है वाइट कॉम्बिनेशन, तो आप चाहो तो यहाँ पे वाइट फुटवेयर पिक कर सकते हो, ब्लैक तो अच्छी नहीं लगेगा, अगर ब्लैक जीन्स भी डालोगे तो ब्लैक उतनी अच्छे से नहीं जाएगी, इसलिए मैंने लाइट ग्रे कलर का यहाँ पे जीन्स डाला है। ब्लू भी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी तो इस वजह से ऐसे कॉम्बिनेशन दिया है। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आप ट्राई भी कर सकते हो गाइस, चेंज करके कौन सी जा रही है नहीं जा रही है। सो मैंने ब्लैक के साथ ट्राई किया, ब्लू के साथ ट्राई किया, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन डार्क ग्रीन के साथ कर दिया। बैग एक नंबर लग रही है, लुक बहुत अच्छी लग रही है, आप थोड़ा प्ले कर सकते हो कलर्स के साथ, मैं हमेशा कहती हूँ हमेशा ट्राई करो और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल देखो कैसी लगती है। और बहुत ही सिंपल लुक, बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही क्लासिक। नेक्स्ट कुर्ता मैंने ये मस्टर्ड कलर का कुर्ता पिक करा है, जिस पर रेड कलर का थ्रेडवर्क करा हुआ है। सो काफ़ी ब्यूटीफुल कुर्ता है ये, कॉटन मटेरियल का, और यहाँ में मैंने थोड़ा सा नेक को फोल्ड कर दिया मैंडरिन कॉलर को, क्योंकि मुझे बंद गले पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ जहाँ पे फोल्ड हो सके मैं कर देती हूँ। सो बिग नेकलेस यहाँ पे मैंने डाला है, जो बहुत अच्छे से जा रही है कुर्ते के साथ। मैं थोड़ा सा प्ले करती हूँ, लाइक खुला बाल ट्राई करती हूँ, देन हाई बर्न, लो बर्न, सब तरह का थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कौन सा अच्छा लगता है।
लग रहा है, तो ये भी खुले बाल भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं यहाँ प्रेफर करूँगी कि मैं यहाँ पे हाई बन करूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा यू नो ऑफिस काइंड ऑफ लुक, क्योंकि ज्वेलरी ज़्यादा ऑफिस पे जाती नहीं है। तो अगर इस तरीके से आप कोई सिंपल लुक में ज्वेलरी अगर डाल रहे हो तो ट्राई करो कि हेयर के साथ थोड़ा कम प्ले करो, थोड़ा उसको सिंपल रखो, तो लुक जो होती है वो काफ़ी कैजुअल हो जाती है। सो वो बैग यहाँ पर मैं ले रही हूँ, ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मिंत्रा से ही है। और ईयर रिंग्स मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी नेकलेस डाला है बहुत ज़्यादा, फिर लगेगा। न्यूड हील्स डाल रही हूँ क्योंकि कुछ भी मैचिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से न्यूड या फिर आप यहाँ पे रेड या येलो कुछ भी डाल सकते थे, अच्छा वो भी उतनी ही अच्छी लगेगी। ब्लैक जीन्स भी इस पर बहुत अच्छी लगेगी, ब्लैक जूती भी बहुत अच्छी लगेगी, बट मुझे ये लुक पसंद आई। और सेम जीन्स मैंने H&M वाला ही वेयर करा है, मैंने बहुत ज़्यादा जीन्स के साथ आपको नहीं दिखाया है, टोटल इस पर कम ही जीन्स मैंने रखा है। सो कैसी लगी ये लुक कमेंट में बताओ, और आपको ऐसे और भी हॉल्स वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना गाइस। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा हॉल दे सकूँ। कुर्ती साड़ी बहुत अच्छी है तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से कुर्ती की रिव्यू नहीं कर रही हूँ, 100% सारी कुर्तीज़ को मैं रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। सो इसलिए मैं मोस्टली ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको लुक बुक की डिटेल्स ज़्यादा दे सकूँ यहाँ पर। नेक्स्ट कुर्ता मैंने ये ब्लू में पिंक कॉम्बिनेशन और वाइट कॉम्बिनेशन का कुर्ता पिक करा है। सो यहाँ पे मैं ये समर वाला बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता आपको दिखा रही हूँ, जिस पे मैंने छोटे छोटे इयररिंग्स डाले हैं, पिंक मैंने फुटवेयर मैच करा है, और यहाँ पे मैं आपको ब्लैक जीन्स डाल के दिखा रही हूँ। सो ये बहुत ही बैगी फिटिंग वाली जीन्स है गाइज, लूज़ वाली जो बहुत लॉन्ग हो रही है, सो फोल्ड करना ऑब्वियसली मस्ट है क्योंकि बहुत लॉन्ग जीन्स है। और ब्लैक जीन्स में डालकर दिखा रही हूँ क्योंकि लास्ट मैंने जितने भी कुर्ता दिखाए उसमें आपको ब्लैक जीन्स नहीं डाला, तो ऐसा नहीं कि ब्लैक जीन्स कुर्ते में नहीं चाहता है, किसी पे भी आप ब्लैक जीन्स कोई भी कुर्ता को आप ब्लैक जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, बट थोड़ा सा यू नो मैचिंग कर लो बैग या फिर बेलीज कुछ भी तो वो अच्छी लगती है। सो यहाँ पे मैं जीन्स के साथ आपको बैग मैच करके दिखा रही हूँ। कुर्ती पे देखोगे तो अब वाइट कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के बैग मैच करा है, एंड जूती मैच करी है कुर्ते से, तो आप स्किप कर सकते हो, वाइट जूती भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि पिंक ही ज़रूरी है, आप बैग और जीन्स मैच कर लो, बैग या फुटवेयर मैच कर लो, कुछ भी मैचिंग अच्छी लगती है। कॉटन मटेरियल का कुर्ता बहुत ही कंफर्टेबल, ऑफिस के लिए परफेक्ट, देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल, एंड खिलकर भी बहुत आरी है, फिटिंग जीन्स भी पहन सकते हो, तो लूज़ वाली मैंने यहाँ पे रखा है, मुझे तो ऐसे लूज़ वाले जीन्स फ्रैंकली बहुत ज़्यादा पसंद है। और वाइट अगर आप देखोगे तो फ्रंट पे टासल भी बनी हुई है, तो वाइट भी जीन्स आप डाल सकते हो। मेरे पास कोई भी वाइट जीन्स नहीं थे गाइज, इसलिए मैंने वाइट के साथ स्टाइल नहीं करे हैं, जो था उसी पर मैंने आपको स्टाइल करके दिखाया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको यू नो आपके पास कुछ लेना ही ज़रूरी है, जो भी है के साथ स्टाइल कर सकते हो। लुक मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, आपको कैसी लगी आप कमेंट पे ज़रूर से बताना, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट कुर्ता मैंने शॉर्ट ब्लैक कुर्ता पिक करा है, जो बहुत ही ज़रूरी था इस हॉल में ऐड करना, लाइक ब्लैक कुर्ता शॉर्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉटन का कुर्ता है गाइज, एंड किसके लिबास ब्रांड से है, तो वाइट थ्रेडवर्क करा हुआ है कुर्ते पे, फ्लेयर वाली कुर्ती है ये। सो इसको मैं स्टाइल कर रही हूँ सिल्वर ज्वेलर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे वाइट आपको वर्क करा हुआ है। सो प्लेन ब्लैक कुर्ता है जिसपे मैं ब्लैक जीन्स डाल रही हूँ, इस वजह से मैंने ये कलरफुल नेक पीस डाला है और चोकर डाला है, क्योंकि सिंगल नेक पीसेस पे अच्छी नहीं लग रही थी, और इसके वजह से डबल लेयर मैंने करा है, डबल लेयर बहुत अच्छी लग रही है। आप चाहो तो विटॉट नेक पीस भी पहन सकते हो, इतना ही ब्यूटीफुल लगेगा, बट मैं सिल्वर ज्वेलरीज और ज्वेलरीज की बहुत फ़ैन हूँ, उसके बिना यू नो कम्प्लीट नहीं होता मेरा कोई लुक। सो यहाँ पर मैं बीच कलर का फुटवेयर और बीच कलर का बैग मैचिंग कर रही हूँ, क्योंकि ब्लैक में बिल्कुल भी ही फुटवेयर और बैग नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक कुर्ता को मैच करा है, क्योंकि मुझे फुल ब्लैक लुक चाहिए था। आप ब्लू जीन्स भी डाल सकते हो, बट ये लुक बहुत प्यारी लगे मुझे, लाइक मॉल जाने के लिए या फिर डे आउटिंग के लिए परफेक्ट लुक है गाइस। सो यहाँ पे आप अगर ऑफिस के लिए आपको चाहिए तो प्लीज़ आप ज्वेलरी स्किप कर सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। और मैंडरिन कॉलर के बाद भी मैंने यहाँ पे हेयर टाई नहीं करे हैं, क्योंकि इस पे खुले हेयर ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ज्वेलरीज के वजह से, थोड़ा शॉर्ट कुर्ता है इस वजह से खुले हेयर अच्छे लग रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे कुर्ता, हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ही ऑसम ब्यूटीफुल कुर्ता है, और मुझे ये कुर्ता बहुत ज़्यादा पसंद आई। सेम जीन्स मैंने बैगी वाले जीन्स इस पर ट्राई करा है, क्योंकि मुझे लूज काइंड ऑफ फिटिंग इस पर देना था, मैं फिटेड वाला जीन्स नहीं पहनना चाहती थी इस वजह से।
सो लास्ट जो कुर्ता मैंने पिक करा है वो लूज बिल्कुल बैगी कुर्ता पिक करा है, ऑरेंज एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन का। इस पर भी मैंडरिन कॉलर है, तो पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेकलाइन को फोल्ड कर लूँ क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छी लगती है। एंड बालों के साथ मैं हाई बन कर रही हूँ, ये नेकलाइन जो है मैंडरिन कॉलर के साथ हाई बन बहुत अच्छी लगती है। सो इसको मैं आउटिंग लाइक ऑफिस वेयर नहीं, लाइक थोड़ा पार्टी काइंड ऑफ लुक बना रही हूँ। सो यहाँ पे गोल्डन एंड ब्राउन कलर का मैं फुटवेयर चूज़ कर रही हूँ। बैग में मैं कंफ्यूज हूँ, तो मुझे फुटवेयर के साथ ये ब्राउन बैग अच्छी लग रही है। ब्लैक के साथ भी आप जा सकते हो, बट फुटवेयर के साथ मैच कर रही है ये बैग, तो मैं आप फाइनली ये वाली बैग ले रही हूँ। आप देख सकते हो वही H&M वाली मैंने जीन्स पहनी है यहाँ पे, जिसको थोड़ा सा फोल्ड करा पॉकेट के साथ। हाई लो कुर्ता है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ईयरिंग्स अगर आप ऑफिस में पहनना चाहते हो तो प्लीज़ ये ईयरिंग्स को चेंज कर लो, थोड़ा स्टड डालोगे तो वो भी ब्यूटीफुल लगेगी। मैं आउटिंग के लिए ये पिक कर रही हूँ, इसलिए मैंने बड़े बड़े ईयरिंग्स हैं जो इस लुक को बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल बना रही है। सो यहाँ पे मैं आपको ब्लैक जीन्स के साथ भी स्टाइल करके दिखा रही हूँ कि अगर आपको चाहिए कि थोड़े से और भी अच्छी लुक आए, एकदम हाईफाई लुक आए जिसको आप मॉल भी पहन के जा सको, आउटिंग में जा सको, तो यहाँ पे मैंने बैग को चेंज कर दिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस बैरी का ये ब्रॉड स्ट्रैप वाला बैग मैंने लिया है, जिन दिनों बहुत फैशन में है। हील्स के स्ट्रैप को दिखाने के लिए मैंने जीन्स को थोड़ा सा फोल्ड करा है, एंड यहाँ पे मैं स्ट्रेट फिट वाला बिल्कुल फिटिंग वाला जीन्स पिक कर रही हूँ। उस पर लूज जीन्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि कुर्ता जो है वो पूरा ही लाइक लूज कुर्ता है, तो उसके साथ ऑलवेज कोशिश कीजिए लूज कुर्ता के साथ आप फिटेड जीन्स पहनिए। बट अगर थोड़ा सा फ्रॉक काइंड ऑफ हो, जैसे मैंने सेकेंड लास्ट पे दिखाया था, तो उस तरह के कुर्ते में आप थोड़ा सा बैगी जीन्स पहन सकते हो, बट इस कुर्ते पर बिल्कुल भी नहीं। तो फुटवेयर चेंज करके, बैग चेंज करके इसकी पूरी लुक चेंज हो गई, बहुत ही ब्यूटीफुल लगी। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेक श्योर करना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।